बेस्ट लैपटॉप फॉर इंटीरियर डिज़ाइन। तो यार अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो या अगर आप पढ़ रहे हो या कर रहे हो जो भी कर रहे हो, तो यार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ। प्लस मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आपने कोई 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, कोई हैवी फाइल पे काम करना, अगर आपने कोई भी आज तक के सॉफ्टवेयर पे काम करना है जो कि बहुत ज़्यादा लोडेड है, तो यार ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ। मैं बहुत तगड़े लैपटॉप बताने वाला हूँ। हम स्टार्ट करेंगे 90,000 से 2 लाख के बजट तक हम जाएंगे, ठीक है। अगर आपका बजट 90,000 से कम है, मैंने पहले ही उसकी वीडियो की है, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो यार अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैंने रखे हैं 4 लैपटॉप। ये चारों लैपटॉप आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। प्लस भाई अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, कोई लोडेड फाइल पे काम करना, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, उसके बाद भाई अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, एनिमेशन करनी है, उसके बाद अगर आपने प्रोग्रामिंग या कोडिंग वगैरह भी करनी है, आपके लिए बहुत बेस्ट डील होने वाले। तो सीधी बात करते हैं नंबर फोर की बात करूँ यार मैंने कि है MIC क्रिएटर्स को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि MIC क्रिएटर्स का नाम है, तो फॉर बेस्ट है फॉर क्रिएटर्स के लिए। तो यार अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो तो आप भी एक तरह के क्रिएटर्स ही हो, ठीक है। तो आपके लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी है, आपको 144 रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, 16GB रैम भी मिल जाएगी। आप बजट देख लेना अपना, अगर आपका बजट कम है तो आप 8GB रैम की ओर जा सकते हो। इन फ्यूचर आप 16GB तक एक्सपेंडेबल कर लेना, इसकी रैम को आप एक्सपेंडेबल कर सकते हो 32GB तक। उसके बाद आपको 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, लेटेस्ट प्रोसेसर वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड MSI ब्रांड टॉप ब्रांड में से आता बहुत तगड़ा लैपटॉप है। मैं डीपली आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने आपको लैपटॉप बहुत बताने हैं, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डीपली नहीं बता रहा। अभी आगे बात करते हैं नंबर थ्री पर यार मैंने रखी है असूस रॉग्स ट्रिक्स को। तो इसको इस बजट रेंज में रखने का एक रीज़न है, सबसे पहले तो इसका प्राइस, ठीक है। आपको 90,000 के बजट में 16GB रैम मिल जाएगी, 4GB ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, एंड इसकी डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिल जाती है। इसमें भी आपको 144 रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो 40,000 तो मिल ही जाता है, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन भी बहुत तगड़े हैं, एंड इसका प्राइस वगैरह भी बहुत सही देखने को मिल जाता है। कभी कभी इसकी सेल लगती है, एंड इसका प्राइस आपको 80,000 से 85,000 के बजट तक भी देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स वाई इसको मैंने नंबर 3 पर रखा, बिकॉज स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। अभी आगे बात करते हैं नंबर टू पर यार मैंने रखी है असूस रॉग जैप्रस G14 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ तो भाई अगर आप किसी कस्टमर्स के पास जाते हो, या कोई कस्टमर आपके पास आता है आपके लैपटॉप को देखता है, तो यार इसका नाम वो 100% पूछने वाला, बिकॉज इसके डिज़ाइन, इसके कलर वगैरह बहुत प्यारे हैं, एंड इसकी बैक साइड में आपको LED लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो कि कस्टमाइज कर सकते हो। प्लस भी बेस्ट है अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उसके साथ साथ भाई अगर आपने कोई भी हैवी लोडेड फाइल पे काम करना है, आपके लिए बेस्ट है। लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो, या आज तक का कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हो, आप सभी के लिए बेस्ट डील हो सकती है असूस रॉग जैप्रस G14। अगर इसके प्राइस रेंज की बात करूँ, ये 90,000 से स्टार्ट हो जाती है, एंड इसका प्राइस तो यार 2 लाख के बजट तक भी चला जाता है। तो अगर आपको ये पसंद आती है, आप इसकी और जा सकते हो। इसकी भी डिस्प्ले तगड़ी मिल जाती है, आपको 120 रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अभी आगे बात करते हैं नंबर वन पर यार मैंने रखी है HP ओमेन को। अगर इस लैपटॉप की बात करूं, इसके भी स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े देखने को मिल जाते हैं। आपको 2070 ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 8GB रैम तक भी मिल जाएगी। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिल जाती है। प्लस HP ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है यार, टॉप ब्रांड में से आता है। बहुत बंदे पूछते हैं मुझसे, मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, मुझे HP का ही लैपटॉप चाहिए। तो आप भी अगर उनमें से हो, अगर आपको HP का ही लैपटॉप चाहिए, तो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है HP ओमेन। आप इस लैपटॉप की ओर जा सकते हो। तो यार अभी मैंने आपको टॉप बेस्ट लैपटॉप बता दिया। अगर आपका बजट 90,000 से लेकर 1,10,000 इस बजट रेंज में, आप चारों लैपटॉप्स में जिसकी ओर भी जाना चाहते हो आप जा सकते हो। पूरे लोडेड है भाई, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो डिस्प्ले, चाहे वो स्पेसिफिकेशन है, प्राइस वगैरह भी आपको तगड़ा मिल ही जाता है, ठीक है। अगर आपका इतना बजट है, आपके लिए बहुत ज़्यादा सही डील होने वाली है। कोई भी आपने हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो। अगर आपने 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, आप स्मूथली कर सकोगे। अभी आगे बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपका बजट 1,10,000 से लेके 1,40,000 हो जाता है इस प्राइस रेंज में, मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप। ये 3 लैपटॉप भी आपको बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। तो भाई अगर आपको एक क्लासिक डिज़ाइन चाहिए या प्रीमियम डिज़ाइन चाहिए, उसके साथ साथ
तगड़े स्पेसिफिकेशन चाहिए, मैं आज आपको 3 लैपटॉप बताऊंगा जो कि आपके लिए परफेक्ट डील हो जाएंगे। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखी है माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, सबसे पहले ये 2-in-1 लैपटॉप है, एज अ टैब भी यूज़ कर सकते हो, एज अ इसको आप लैपटॉप भी यूज़ कर सकते हो। स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े हैं, आपको 8GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको 32GB रैम भी मिल जाएगी। वैसे ही आपको ग्राफिक कार्ड है, आपको 1660 भी मिल जाएगा, 1660 Ti भी देखने को मिल जाएगा, आपको 4GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, आपको 6GB ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा। इसमें आपको i5 भी मिल जाएगा, i7 भी देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना पे करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे। अगर इसके मैं बजट रेंज की बात करूँ, 85,000 से स्टार्ट हो जाती है, इसका बजट रेंज यार 2 लाख के बजट तक भी चला जाता है। तो भाई मेन स्पेसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस बुक 3 की। अभी आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर यार मैंने रखी है सोस व्यू बुक 2 को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ, इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही है, बिकॉज आपको डुअल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सेकंड डिस्प्ले आपको टच स्क्रीन के साथ देखने को मिलती है। तो भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, एनिमेशन करते हो, 3D एनिमेशन करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, फोटो एडिटिंग करते हो, जहाँ अगर आपने कोई भी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, उसको आप टच स्क्रीन में यूज़ कर सकोगे, जो कि आपके लिए ही प्लस पॉइंट आ सकता है। ठीक है, प्लस इसमें आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 144 रिफ्रेश रेट के साथ आती है। अगर आपने फुल एचडी डिस्प्ले की ओर नहीं जाना, आपको 4K ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, आप चेक आउट कर लेना। आपको इसमें 16GB रैम भी मिल जाएगी, आपको इसमें 32GB रैम भी मिल जाएगी। तो स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा तगड़े हैं, सो दैट्स व्हाई इसको मैंने नंबर 2 पर रखा। अभी आगे बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 की बात करूं, नंबर 1 पर यार मैंने रखी है HP स्पेक्ट्रा X360। यार इंटरनेशनल क्रिएटर्स इसको बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज इसका डिस्प्ले, इसका डिज़ाइन, इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड इसके स्पेसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं। आपको 4K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि टच स्क्रीन है, प्लस ये 360 डिग्री पूरा ओपन हो जाता है। तो दैट्स व्हाई इसको मैंने नंबर 1 पर रखा, बिकॉज आपको अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, अच्छे जो है स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं, उसके बाद भी आपको डिज़ाइन लुक वगैरह भी बहुत अपर मिल जाता है, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, डायमंड कट शेप इसकी देखने को मिलती है, उसका 2 कलर्स में आता है, एंड मैं आपको बताना भूल गया, 2 कलर्स में आता है, दोनों कलर इसको बहुत सूट करते हैं, आप एक बार चेक आउट जरूर करना, आपको पसंद आएगा। तो अभी बात करते हैं, अगर आपका बजट 1,50,000 से लेके अगर आपका बजट 2 लाख तक हो जाता है, हम इस प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं। इस प्राइस रेंज में यार मैंने रखे हैं 3 लैपटॉप। ठीक है, 2 आते हैं अगर आपको एक प्रीमियम डिज़ाइन चाहिए, एक क्लासी डिज़ाइन चाहिए, 2 मैं आपके लिए बताऊंगा, 1 लैपटॉप मैं बताऊंगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वैसे बता रहा हूं, ठीक है, एज अ नॉलेज के लिए, अगर आप उसको लेना चाहते हो आप ले सकते हो। बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पर यार मैंने रखी है एप्पल मैकबुक 13। नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर यार मैंने रखी है एप्पल मैकबुक प्रो। ठीक है, तो भाई अगर आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, एज अ डेवलपर काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, आपके लिए परफेक्ट डील हो सकती है, आप मैकबुक की ओर जा सकते हो। बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपने 16GB रैम की ओर जाना है, अगर आपने 13 की ओर जाना आप जा सकते हो, अगर आपने प्रो की ओर जाना आप जा सकते हो, बट आपने मिनिमम 16GB रखनी ही रखनी है, उसके नीचे आपने नहीं जाना, उसके ऊपर आप जा सकते हो, आपके लिए और भी बेस्ट डील हो सकती है। नंबर 1 की बात करूँ, नंबर 1 पर यार मैंने रखी है डेल एलियन वेयर को। अगर इस लैपटॉप की बात करूँ यार, ये लैपटॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इसका डिज़ाइन, इसकी लुक वगैरह बहुत अपर मिल जाती है, एंड भाई मुझे भी पता है ये गेमिंग के लिए परफेक्ट है। उसके साथ साथ भाई अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर पे काम करना है, एज अ क्रिएटर काम करना है, एज अ डेवलपर काम करना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, 4K वीडियो एडिटिंग करनी है, अगर आपने लाइव स्ट्रीम करनी है, गेमिंग लाइव स्ट्रीम करनी है, आप सभी के लिए ये लैपटॉप परफेक्ट डील हो सकता है। अगर आप इसकी और जाना चाहते हो, आपके लिए और भी गुड डील हो सकती है, एंड मुझे लिंक में, सॉरी कमेंट में बताना जरूर भाई, अगर आप कोई भी बाय करते हो इस लैपटॉप को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। ठीक है यार, अभी मैंने आपको 3 लैपटॉप बता दिए, जो कि आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख के बजट में बहुत अपर देखने को मिल जाते हैं। तो यार अभी मैंने आपको इतने लैपटॉप बता दिए, 90,000 से स्टार्ट किया था, 2 लाख के बजट तक हम आ गए। ठीक है, तो आई होप कि अभी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, करें इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस यार मैंने सभी के लिंक प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेक आउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ, थैंक यू।